नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों धनु राशि वालों हो जाइए सावधान, क्योंकि आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर आपके जीवन काल में एक बहुत ही बुरी घटना होने वाली है जी दोस्तों। तो अगर आप लोग समय रहते संभल जाओगे तो इस घटना से आप लोग बच पाओगे, नहीं तो आपका सब कुछ तहस नहस भी हो सकता है जी दोस्तों। तो अगले इन 3 दिन आप लोग बेहद ही सावधानी और सतर्क से कदम आगे की ओर बढ़ाएंगे तो आप सभी के लिए बेहतर साबित होंगे जी दोस्तों। तो आज की पूरी वीडियो आपके ग्रह गोचर पर आधारित है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आने वाले अगले 3 दिनों का समय आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है दोस्तों। या 3 दिनों के समय अंतराल में आपकी ज़िंदगी में क्या क्या शुभ तो क्या क्या अशुभ घटनाएँ भी होने वाली हैं, साथ ही आप लोगों को यह समय क्या क्या सावधानियाँ भी रखनी पड़ेगी और कौन से चुनौतियों का भी सामना आपको इन 3 दिनों के अंदर करना पड़ेगा दोस्तों। साथ ही इन 3 दिनों के भीतर आपकी ज़िंदगी में क्या क्या परिवर्तन भी लेकर आ रहे हैं, तो आप लोगों को क्या क्या खुशखबरियां भी मिलने वाले हैं, साथ ही क्या क्या बदलाव भी देखने को मिलेंगे। और दोस्तों साथ ही इन 3 दिनों में आपका लव लाइफ कैसे रहेगा, बिजनेस व्यापार कैसे रहेगा, आपकी आर्थिक स्थिति कैसे रहेंगी, स्वास्थ्य कैसे रहेंगे, आपके प्रेम संबंध कैसे रहेंगे और घर परिवार का माहौल कैसे रहेगा, विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहेगा दोस्तों, सारे के सारे जानकारी आप लोगों को हम देंगे विस्तार पूर्वक से। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा। और दोस्तों वीडियो के अंत में आप लोगों के लिए बहुत ही खास और बहुत ही अचूक उपाय हम बताएंगे दोस्तों। अगर आप लोग इस उपाय को अगले इन 3 दिनों के भीतर कर लेंगे दोस्तों, मैं किन के साथ कहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में जो परेशानियाँ चल रही है उन सभी से आपको मुक्ति भी मिलेंगी और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद हमेशा आप सभी के ऊपर भी बनी रहेगी जी दोस्तों। तो आए दोस्तों बात करते हैं वीडियो की शुरुआत करते हैं, उससे पहले जो भक्त अपनी माँ से सच्चे प्रेम करते हैं इस वीडियो को अभी कभी अपने प्यारे हाथों से एक लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता रानी जरूर लिखें दोस्तों। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा आप सभी के ऊपर बनी रहेगी। तो आइए दोस्तों बात करते हैं वीडियो की शुरुआत करते हैं गुरु जी के बड़े ही सुंदर अनमोल ज्ञान के साथ दोस्तों। गुरु जी कहते हैं कि अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी के फैसले परिस्थितियों को देख कर लें, क्योंकि दुनिया को देख कर लिए फैसले हमेशा दुख ही देते हैं, इसलिए आप अपनी परिस्थिति को देख कर ही ज़िंदगी का फैसला लें तो आपके लिए बेहतर साबित होंगे दोस्तों। आप लोग जीवन में किसी भी व्यक्ति को तभी गलत ठहराना जब आप उसके बारे में सब कुछ जानते हो, तब नहीं कि जब दूसरों से सुना हो जी दोस्तों। दोस्तों इन बातों को आप लोग हमेशा अपने जीवन काल में याद जरूर रखिएगा दोस्तों। अगर गुरु जी का यह ज्ञान आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय गुरुदेव महाराज जरूर लिखें दोस्तों। गुरु जी का सीधा आशीर्वाद आप लोगों को प्राप्त होगा। तो वह दोस्तों बात करते हैं आने वाले अगले 3 दिनों की महत्वपूर्ण राशि फल के बारे में दोस्तों। आने वाले इन 3 दिनों का समय आप लोगों के लिए बहुत ही खास और बहुत ही लक्की समय साबित होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यह समय किस्मत का पूरा साथ आपको मिलेगा, जिससे आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी बड़ी उन्नति को हासिल कर सकते हैं जी दोस्तों। और यह समय अगर आप करियर और कारोबार के सिलसिले में कहीं यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा आप सभी के लिए अत्यंत ही लाभप्रद साबित होंगे और किसी भी पर व्यक्ति की मदद से सत्ता सरकार से जुड़े कार्य सिद्ध भी होंगे और राजनीति से जुड़े लोगों के लिए यह समय बहुत ही शुभ रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों उन्हें यह समय कोई बड़ी जिम्मेदारियाँ या फिर पद की प्राप्ति हो सकती है। और दोस्तों यदि आप लंबे समय से आप सुख सुविधा से जुड़ी चीज़ या फिर वाहन आदि को खरीदने की सोच रहे थे तो यह कामना भी आपकी इन 3 दिनों के अंदर पूरी हो सकती है। और दोस्तों भूमि भवन या फिर पैतृक संपत्ति की प्राप्ति भी होंगी और व्यवसाय की दृष्टि से यह समय आप सभी के लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है दोस्तों। कारोबार में न सिर्फ मनचाह लाभ मिलेगा बल्कि उसके विस्तार के लिए किए गए निर्णय प्रयास भी आपके समय सफल साबित होंगे। और दोस्तों यह समय के अंत में घर के किसी भी वरिष्ठ व्यक्ति की मदद से स्वजनों के साथ उपजी गलतफहमियां भी दूर होंगी और एक बार फिर अपनों के साथ हंसी खुशी समय व्यतीत भी आप लोग करेंगे। और दोस्तों प्रेम संबंध की दृष्टि से यह समय आप सभी के लिए बहुत ही शुभ कहा जाएगा दोस्त। यह समय आपके प्रेम संबंध में मजबूती आएंगी और आपसी विश्वास भी बढ़ेगा और दाम्पत्य जीवन यह समय आपका सुखमय भी बना रहेगा और संतान से जुड़े किसी भी
बड़ी उपलब्धियों से आपका समाज में ऐसे मान सम्मान भी बढ़ाएगा। और दोस्तों ऐसे में आपके जीवन काल में कुछ बड़े अनोखे चमत्कार भी होने वाले हैं या फिर कुछ बड़े अनोखे परिवर्तन भी हो सकते हैं। दोस्तों उसे देखकर आप सभी के होश उड़ जाएंगे और दोस्तों अपनी क्षमताओं पर आप विश्वास रखें और समस्याओं को भी प्रभावी ढंग से हल करने का प्रयास करें। आप लोग आप सभी परिवर्तनों को स्वयं ही देख पाएंगे चाहे कुछ भी हो, लेकिन यह समय आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है और आपके परिवार को आपके काम के प्रति आपकी प्रतिद्वंद्विता को समझने की भी आवश्यकताएँ हों और अपने घर में आवश्यक बदलाव करें ताकि आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सके और अपनी भावनाओं को यथासंभव सर्वोत्तम तरीके से व्यक्त करें ताकि आपके माता पिता आपका मार्गदर्शन कर सके और आपका काम हमेशा की तरह जारी भी रहेंगी। लेकिन आपको गति निर्धारित करने की भी आवश्यकताएँ हैं और आप बहुत ही जल्द काम पर से अपना फोकस खो सकते हैं और आपको अपने काम का आनंद लेने की भी आवश्यकताएँ हैं क्योंकि रचनात्मकता आपका जुनून है और बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए इसमें बहुत ही अच्छा समय साबित होने वाला है क्योंकि उन्हें इसमें काफ़ी बड़े लाभ की प्राप्ति हो सकती है। और दोस्तों इसमें आपकी आर्थिक स्थिति भी स्थिर हो जाएगी और आप लाभप्रद निवेश करने में सक्षम भी होंगे और यह आपके लिए एक अच्छा समय भी होगा जब आप अधिक से अधिक बचत कर सकते हैं। और इसमें आपका पार्टनर आपकी वर्तमान स्थिति को समझने वाला है और प्रभावी समाधानों के साथ आपका मार्गदर्शन भी करेगा। और दोस्तों इसमें आपके और आपके परिवार के लिए महत्वपूर्ण समय भी रहने वाला है क्योंकि दोस्तों इसमें संतान के पक्ष की ओर से कुछ बड़ी उपलब्धियां घर में खुशियों का माहौल भी बना सकता है और इसमें आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। जी दोस्तों चलिए बात करते उपाय के बारे में। दोस्तों अगर आप लोगों को इन 3 दिनों के भीतर वह कौन से उपाय करने चाहिए जो कि आपके जीवन के सारे परेशानियां हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद हमेशा आप सभी के ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों भगवान गणेश जी को सिंदूर अत्यंत ही प्रिय हैं। दोस्तों आप लोग यह समय अंतराल में भगवान गणेश जी के मंदिर में जाकर सिंदूर अर्पित करें और साथ ही 11 ध्रुवा भी अर्पित करें। दोस्तों इससे आपके जीवन की सारी परेशानियों से आपको छुटकारा मिलेंगे और आपकी ज़िंदगी में जो नकारात्मक शक्तियाँ उन सभी से आपको मुक्ति भी मिलेंगी और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद हमेशा आप सभी के ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में जय गणपति बप्पा मोरिया जरूर लिखें, आपके जीवन के सारे बिगड़े और अधूरे कार्य पूर्णता बन जाएंगे। धन्यवाद।